निजी जिंदगी में आई समस्या से निकाल लिया बिजनेस आइडिया, आज हैं लाखों ग्राहक। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आइडिया हो, उसकी जीरो से शुरुआत अपने आप में एक चुनौती भरा सफर होता है। ऐसे में यदि कोई महिला अपने आइडिया से बिजनेस करना चाहे तो ये कठिन सफर कांटों भरा हो जाता है, क्योंकि एक महिला को परिवार और बिजनेस दोनों संभालना है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एक स्वागत योग्य परिवर्तन देखने को मिला है, कई भारतीय महिला एंटरप्रेन्योर बन रही हैं। बच्चों के जन्म, उनका पालन पोषण और साथ ही एक सफल बिजनेस का संचालन, बेहद कुशलता से वो इन सब के बीच संतुलन बना रही हैं। आज की ये कहानी एक ऐसी ही महिला की है जिनमें एक सफल बिजनेस वुमन और गृहिणी का मिश्रण है, जिन्होंने एक आइडिया से करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाली कंपनी खड़ी कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपर बॉटम्स की फाउंडर पल्लवी उतगी की, जो आज एक सफल महिला उद्यमी के रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। पल्लवी ने मुंबई से MBA किया और एक कंपनी में ब्रांड मैनेजर के रूप में अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने आईपिल, आईकैन और आईस्टोर जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया। अपने करियर में आगे बढ़ने वाली पल्लवी एक बेहद खूबसूरत बंधन में बंध गई। विवाह के बाद माँ बनने की जिम्मेदारियों ने नौकरी छोड़ने के लिए विवश किया, लेकिन साथ ही जीवन ने उन्हें अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने पेश करने का एक मौका दिया लेकिन साथ ही जीवन ने उन्हें अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने पेश करने का एक मौका दिया। बच्चे के जन्म के बाद पल्लवी ने महसूस किया कि बच्चे की त्वचा के लिए बाजार में उपलब्ध डायपर अच्छे नहीं होते और साथ ही पुराने तौर तरीकों वाली लंगोट भी उतनी उपयोगी नहीं होती, क्योंकि उन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। पल्लवी ने एक ऐसी सामग्री का शोध और विकास किया जिसमें अतिरिक्त रूप से सोखने की क्षमता है और फिर यहीं से सुपर बॉटम्स की आधारशिला रखी गई। इस ब्रांड के बैनर तले एक ऐसे डायपर का उत्पादन शुरू हुआ जो डिस्पोजेबल डायपर की तरह सुविधा युक्त और एक लंगोट की तरह आरामदायक है। पल्लवी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे लिए ये एक और मुद्दा था कि डिस्पोजेबल डायपर के कारण पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है, इससे बचना है। पल्लवी के इस प्रोडक्ट को शुरुआत में अच्छी प्रतिक्रिया मिली, परंतु पल्लवी के लिए माँ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए व्यवसाय को बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन एक ब्रांड मैनेजर के रूप में उनका अनुभव काम आया और फिर उन्होंने एक स्मार्ट मार्केटिंग मॉडल का उपयोग किया। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए नए पुराने लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया और उन्हें फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। साल 2016 में पर्सनल समस्या को दूर करने से शुरू हुई ये कंपनी आज एक ब्रांड बन चुकी है। ये ब्रांड हर साल 5 गुना दर से बढ़ रहा है। साल 2023 के अंत तक पल्लवी इसे 100 करोड़ टर्नओवर के लीग में शामिल करने के लिए तैयार है। पल्लवी उतगी की ये कहानी हर उस महिला को प्रेरित करती है जो अपनी निजी जिंदगी की जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने के साथ साथ व्यवसायिक जीवन में सफल होने के लिए प्रस्तुत हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताइएगा और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।